सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस पहले तो मेरी न्यू हेयर स्टाइल देखो, ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो भाई इसी हेयर स्टाइल में रहूंगा, अगर नहीं लग रही तो भाई चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हो आज ये सारे के सारे यहाँ पर वापस आ चुके हैं। और गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं आप सभी लोगों का फेवरेट गेम जिसका नाम है हाइड एंड किल। अरे हाइड एंड किल नहीं, हाइड एंड सीक बोलेंगे यार भैया। भाई हाइड एंड किल में मजा आता है यार। अरे यार आप तो किल कर देते हो इतना तो हमें पड़ता है यार। हाँ एकदम सही बात है। हाँ भैया ऐसे नहीं चलेगा, हाइड एंड सीक खेलेंगे। अरे हाइड एंड सीक, चलो एक काम करते हैं गाइस, इन्हें बोल देते हाइड एंड सीक खेल रहे हैं लेकिन हम लोग हाइड एंड किल ही खेलेंगे। तो आप लोग भाई ध्यान रखना क्योंकि आप लोग का फेवरेट है हाइड एंड किल। चलो ठीक है भाई, जैसा तुम लोग बोलो हाइड एंड सीक खेलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है फिर से ये, लेकिन डाइन कौन देगा? जब भाई तुम लोग हाइड एंड सीक खेल ही रहे तो डाइन तो मुझे ही दिलवाओगे ना तुम। अरे यार हाइड एंड सीक ले तो आप कभी भी मानते नहीं हो यार, आज कैसे मान गए यार? बस मान गया क्योंकि भाई हाइड एंड सीक बोल के हाइड एंड किल खेलूंगा। गाइस फटाफट से आप लोग यार वीडियो को लाइक करो, बाद में आप सभी लोग भूल जाते हो तो अभी लाइक कर दो यार। हाँ यार गाइस जल्दी से पहले लाइक कर दो। हाँ गाइस पहले फटाफट से लाइक कर दो। हाँ यार जल्दी से कर दो यार। लेट्स गो गाइस, मैं जाता हूँ भाई टाइम देने के लिए। हाँ ठीक है चले जाओ। हाँ जा रहा हूँ भाई, लेट्स गो गाइस। यार पहले मैं आप लोग को रूल्स समझा दूंगा बाद में या अभी समझाता हूँ। तो भाई रूल्स देखो गाइस ये होंगे, सिंपल रूल है, ज्यादा कुछ ऐसा वैसा नहीं है। हर बार मैं आप लोग को बता देता हूँ तो इस बार वापस से बता देता हूँ। तो भाई रूल ये, जो भाई डाइन देगा ना आप सभी लोग उसी की टीम में होगे। जैसे कि आज मैं डाइन दे रहा हूँ तो आप सभी लोग मेरी टीम में। अगर ये लोग कहीं छुप रहे होंगे और मुझे नहीं नजर आएंगे ना तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे, ठीक है गाइस। आप लोग समझ गए होंगे रूल क्या है, बस इतने से रूल है। और इनकी हेल्प बिल्कुल नहीं करनी है कि फ्रैंकलिन भैया बस पहुंचने वाले हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं बताना है। जो शिनचैन के फैन होंगे बस वही बता सकते हैं, मुझे पता है। लेट्स गो, जो मेरे फैंस है वो तो नहीं बताएंगे। चलो भाई मैं काउंट करता हूं, एक दो। इन पहले मैच जाके छुप जाता हूं वरना फ्रैंकलिन भैया हर बार की तरह मुझे आउट कर देंगे और फिर मेरा मजाक बनाएंगे। लेट्स गो गाइस, कहां पर जाऊं छुपने के लिए? अरे यार कौन सी जगह देखूं मैं? हाँ ये जगह एकदम बढ़िया रहेगी, यहाँ पर चढ़ गया और यहाँ पर छुप जाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया से बचने का एक ही तरीका है, दो तरीका है, यहाँ से बाहर जल्दी से निकलने का, भागने का। अरे यार जल्दी से चले जा पिंचर भाई। अरे हाँ यार शिनचैन भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ से बस निकल ही रहा हूँ। अरे वाह मजा ही आ जाएगा, आज तो छुपन छुपाई बड़े दिनों बाद खेल रहे हैं हम लोग। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं जिससे गाइस यार यहाँ पर कोई हमें आउट ना कर सके, और ऐसी जगह छुपेंगे जहाँ पर फ्रैंकलिन भैया क्या कोई भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे गाइज मैंने सुना है आप लोग यार आजकल वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। तो आप लोगों को लाइक तो करना पड़ेगा, जल्दी से यार वीडियो को लाइक वाले बटन को ना जल्दी से प्रेस कर दो और यार बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना जिन जिनने सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दो यार, जल्द से जल्द कर दो। चलो गाइज आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अरे कहाँ पर छुपू यार, ये तो बहुत बड़ी जगह है, मेरे को कहाँ पर छुपना चाहिए आप लोग कोई अंदाजा लगा सकते हो? अरे यार मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहीं पर छुप जाता हूँ। अरे वाह बड़ी सही जगह मिल गई है। चलो गाइस फ्रैंकलिन भैया तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग को तो तब छोड़ेंगे, चलो मैं भी जा रही हूँ छुपने के लिए। अरे हाँ यार तुम तो जरूर से जाओ, नहीं नहीं तुम तो सबसे पहले जानी चाहिए थी। हाँ थैंक यू सो मच शिनचैन, लेकिन मैं सबको उल्लू बनाते हुए ऐसे ऐसे इधर उधर करके जाऊंगी और कहीं दूर जाके छुप जाऊंगी, सबको लगेगा यहीं कहीं पास में छुप रही हूँ मैं। लेकिन नहीं मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ। वो तो हम सबको पता है तुम तेज हो, नहीं नहीं मेरे भैया को फंसाती है। मैंने किसी को नहीं फंसाया समझी मवारी, मेरे से फालतू बहस मत किया करो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। अरे यार बहन ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार कौन सॉरी बोल रहे हैं, नेने या हिमावारी दोनों की आवाज़ सेम है। मेरी आवाज़ सेम नहीं और मैं सॉरी तो कितनी भी ना बोलूं। हाँ सॉरी मुझे लगा था कि तुम सीरियसली बोल रही हो इसलिए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जब देखो गलती निकालती है। चलो गाइस मैं यहाँ पर छुप जाती हूँ। चलो गाइस मेरी बारी भी आ गई, मैं यहाँ से नीचे कूदता हूँ। अरे कूदना था गिरना नहीं था यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, फटाफट से कर दो यार। चलो अभी एक काम करते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं और ये इसके नीचे, अरे इसके नीचे छुप जाते हैं। अरे शिनचैन मेरा भाई, मैं तो बहुत दिनों बाद आया हूं तेरे साथ खेलने। हैं वही मैं बोल रहा था, तेरी कसम है तेरे को तो डेली आना चाहिए मेरे साथ खेलने, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। अब मैं क्या करूं यार, मेरे पे इतना ज्यादा काम आ जाता है ना, मैं इसलिए रुक नहीं पाता यहां पे। अरे कोई बात नहीं यार, वैसे भी तेरे पापा बिजनेसमैन है और तेरे को भी बिजनेस करना सिखा रहे हैं वो। हाँ एकदम सही बात कह रहा है, तू तो मेरी सारी बातें जानता है। अरे तभी तो तेरा बेस्ट फ्रेंड यार मैं। हाँ सही बात है सही बात है। चलो गाइस अभी मैं जाकर छुप जाता हूँ इस पेड़ के पीछे। शिनचैन भैया आपको नहीं लगता कि
यार ये फ्रैंकलिन भैया चलाकी कर रहे हैं, हाइड एंड सीक बोलकर ही हाइड एंड किल खेलेंगे। अरे यार बहन सच बताऊं तो मुझे भी यही लगता है यार। हाँ तब हम लोग क्या करें, कहाँ पर छुपे जहाँ पर हम लोग उनकी गन से बच सके। हैं अब ये काम मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो तुम भी सोचो ना यार। हाँ मैं तो सोच ही रही हूँ ना, आप भी तो सोचो क्या करें क्या ना करें। अरे अभी तो जाकर कहीं ना कहीं छुप जा, वरना उन्होंने मतलब यार काउंट कर ले तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। हाँ ठीक है जाकर छुपते, लेकिन कहाँ पर छुपूंगा ये समझ नहीं आ रहा, इनकी गन से कैसे बचूं। मेरे को जहाँ तक लगता है ये फ्रैंकलिन भैया ना चपड़गंजू एक नंबर के, ये पक्का ना हमें गन से उड़ाने की सोच रहे होंगे। मेरे को पता है ये हाइड एंड सीक बोल कर ना हाइड एंड किल खेलने की सोच रहे होंगे, तभी ये टाइम देने को इतने ज्यादा उतावले हो रहे थे। चलो गाइस मैं एक काम करती हूँ, इस बार पेड़ के पीछे नहीं छुपती, इस बार इस किनारे पे जाके छुप जाती हूँ। हैं गाइस आप लोग को क्या लगता है ये फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर आएंगे यार, मतलब यार ये यार गेम कौन सा खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक या फिर हाइड एंड किल। आप लोग को क्या लगता है, मैं सच बताऊँ तो हिमावारी एकदम सही कह रही थी, ये फ्रैंकलिन भैया इतनी आसानी से डाइन देने को तैयार कैसे हो गए। 92 93, ये तो 92 93 पे आ गए, 100 होते ये भागने लगेंगे हमारे पीछे। लेट्स गो यार, एक काम करते घर के अंदर छुप जाता हूँ, यहाँ पर तो शायद से यार गन काम नहीं करती है। लेट्स गो, यहाँ पर छुपू कहाँ पर छुपू समझ नहीं आ रहा है। अरे गाइज यार यहाँ पर छुप जाता हूँ, यहाँ पर मैं बच सकता हूँ यार इनकी गन से, अगर इन्होंने मतलब गन चलाई तो। सो गाइज फाइनली भाई मेरी यहाँ पर भाई 100 तक काउंट मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दो भाई, यहाँ पर ना मैंने इन लोगों को बताया कि हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लेकिन गाइज आप लोगों को पता है ना हकीकत मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था कि हम लोग हाइड एंड सीक नहीं, हम लोग हाइड एंड किल खेल रहे हैं। तो भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पहले मैंने सोचा था कि यार हम लोग ना RPG का इस्तेमाल करेंगे, और RPG आप लोगों को पता ही है भाई कितनी खतरनाक होती है। लेकिन गाइस फिर हम लोगों ने ना, एक सेकंड यार वो गन कहाँ गई यार मेरी वाली, एक सेकंड गाइस गन लेकर आता हूँ फटाफट से, यार मेरे बैग में रखी होगी और मेरा बैग ना इस वाली जगह पर होता है हमेशा। लेट्स गो जल्दी से निकालता हूँ। फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर ले चुके हैं उस गन को, बाहर चलकर निकालता हूँ उस गन को और आप लोगों को उस गन की पावर भी दिखाऊंगा। देखो गाइस ये है वो गन भाई, ये इतनी खतरनाक गन है, आप लोगों ने पहले वाले एपिसोड्स में भी देखा होगा, लेकिन गाइस अब ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। मैं आप लोगों को चलकर दिखाता हूँ यार, ये देखो पहले भाई वो इतनी दूर से कभी नहीं मार सकती थी, अब देखना गाइस ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये देखो गाइस उस ओ भाई 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 ये गाड़ी वाला पागल है क्या भाई, इतनी स्पीड में ले गया और रेड गाइस वापस से इसके घर पर पहुँचा देते हैं यार। ये हमारा चल भाई चल, थोड़ा सा और हाँ अब सही है, वरना तेरे को और कोई गाड़ी वाला को कुचल देगा यार, मैं भी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। और गाइस मैं आप लोग को बताया तो भाई इस गन से ना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक सब लोग बेहोश रहते हैं, उसके बाद गाइस सब लोग जिंदा हो जाते हैं। तो फटाफट चलते हैं भाई सबको ढूंढने के लिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई हो सकता है इस बार ये लोग दूर छुपे हो, इस बार कोई भी लिमिट नहीं थी, कहीं पर भी छुप सकते थे, तो भाई हो सकता है ये लोग यहाँ पर भी छुपे होंगे। चलो लेट्स गो, आप लोग यार फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, जिसने नहीं किया जल्द से जल्द कर दो यार, मैं वेट कर रहा हूं यार आप लोग के सब्सक्राइब करने का, और बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दिया करो यार, क्योंकि आप लोग के पास ना मेरी वीडियोस पहुंच नहीं पाती है, तो इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। और गाइस मुझे यहां पर कोई भी नहीं मिला है, एक काम करते हैं इस छत पर हम लोग चढ़ सकते हैं क्या, एक सेकंड ये डस्टबिन नहीं चढ़ पा रहे इस पर हम लोग, मुझे सामने की तरफ जाना है, कैसे जाऊं, एक काम करते हैं इस जगह से जाते हैं और भाई चलकर देखते हैं भाई इन घरों में कोई है या फिर कोई नहीं है। लेट्स गो ये चढ़ते हैं यहाँ से, ये चढ़ गया ऊपर मैं। ऑलराइट गाइस यहाँ पर कोई दिख रहा है क्या आप लोगों को, मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, इधर देखते हैं यहाँ पर भी कोई नहीं है। ओके गाइस यहाँ मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ते हम लोग, यहाँ से उतरते हैं और भाई यहाँ इस वाले घर, एक सेकेंड में ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा, मेरे हिसाब से मुझे इस जगह से जाना चाहिए ऊपर की तरफ। लेट्स गो देखते हैं यार यहाँ से तो चढ़ ही जाना चाहिए, चल फ्रैंकलिन चल रुकना नहीं है बिल्कुल भी यार। ओके गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर चढ़ चुके हैं, अब देखते हैं गाइस हम लोग किसे आउट कर पाते किसे नहीं। भाई आप लोग यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बता ही चुका है। चलो भाई यहाँ पर कोई छुपा है क्या, नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, इधर नहीं, इधर भी कोई छुपा नहीं है, इस घर के ऊपर छुपा होगा कोई नहीं, इस बार हमारे पास ना देखो स्पेशल पावर नहीं है गाइस, ये जंप मारने वाली हर बार होती थी, लेकिन इस बार नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस और ढूंढते हैं भाई और लोगों को, और गाइस यहाँ पर कोई, ओके गाइस हमें नेने मिल गया, और नेने बहन आउट है तू, अरे भैया इतनी जोर की मारा। हाँ बहन इसमें अब ऐसी लगती है भाई, जोर जोर से लगती है भाई ये पिस्टल, अरे तू इसे चेंज कर दो यार। चेंज नहीं होगी बहन यार, चेंज करने के लिए थोड़ी खरीदे। लेट्स गो गाइस हम लोगों ने पहला प्लेयर आउट कर दिया, अब चलते हैं भाई, देखो टोटल कितने, नेने हिमावारी शिंगचैन पिंचैन और गाइस बो तोरू कजामा और गाइस मसाओ, 7 लोग हैं टोटल,
जिनमें से गाइज हम लोगों ने एक बंदे को मतलब एक प्लेयर को आउट कर दिया जो कि है गाइज नेने साकुरा था। तो गाइज अब चलते हम लोग भाई अपने नेक्स्ट बंदे को आउट करने के लिए। जहाँ तक मुझे लग रहा भाई किसी के परफ्यूम की स्मेल आ रही है और ये परफ्यूम ना शायद से पिंचन का है, तो हम लोग को यहीं पर चल कर देखना चाहिए। मुझे यहीं कहीं से उसके परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तो पिंचन। चलो गाइज अभी और आगे की तरफ से बढ़ती जा रही है भाई, जितना मैं इस साइड जा रहा हूँ मेरे को उतनी ज़्यादा स्मेल आती जा रही है भाई इस परफ्यूम की। ओके यहीं कहीं से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। इस पत्थर के पीछे तो कोई नहीं है, देखते हैं, लेट्स गो। नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ पर तो कोई नहीं मिला हमें। आगे की तरफ चल कर देखते हैं भाई, यहाँ पर कोई है क्या? यहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों को नज़र आ रहा तो मुझे कमेंट करके बता देना गाइस, अगर दिख रहा हो तो, और नहीं दिख रहा हो तो भी भाई कमेंट तो कर ही देना एक। लेट्स गो, इधर देखते हैं, इधर कोई है नहीं, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। ऑलराइट गाइस यहाँ पर तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, मुझे लेकिन लग रहा था भाई क्योंकि स्मेल यहीं कहीं से आ रही थी। और देखो मैं कह रहा था ना यहाँ पर है भाई, ये खड़ा पिंचन आउट है तू। अरे भैया गोल मूर्ति बना दिया यार पूरा का पूरा भाई, बस आउट करना था आउट कर दिया मैंने तुझे। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं यार मेरी डायनो की, वैसे भी आपने हाइड एंड सीख ले कहा था ना भाई, हाइड एंड किल खेलता हूँ भाई मैं। अरे अभी सबको बताता हूँ, तू बता कर दे भाई, मैं फिर से तेरे पे गन चला दूंगा। अरे ठीक है, नहीं बता रहे यार। चलो चलो लेट्स गो गाइस, दो प्लेयर को हमने आउट कर दिया है, तीसरे प्लेयर को आउट करने चलते हैं। और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कोई दिख रहा है हमें इधर इन पत्थरों पे भी कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कोई है। ओके यहाँ कोई है भी नहीं, लेट्स गो। और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं कोई है नहीं, यहाँ भी कोई नहीं है। बाकी आप लोग, मैंने आप लोगों से बोल ही दिया भाई, आप लोग कमेंट करके बता ही देना अगर आप लोग कोई भी कहीं भी नज़र आए, और नहीं भी आए ना तो भाई कमेंट कर देना कि यार फ्रैंकलिन भैया, जेएसएस भैया हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे बता देना कमेंट करके। बाकी गाइस देखते हैं, झाड़ियों में तो कोई नहीं लग रहा मुझे, आप लोग कोई लग रहा है तो बताओ यार, जल्द से जल्द ध्यान से देख लो कहीं भी आप लोग को आसपास कोई दिख रहा है फटाफट से बता देना मुझे कमेंट करके, मैं हर 5 मिनट में आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। इधर चल के देखते हैं यहाँ कोई हमें नज़र आ जाए, इस पेड़ के पीछे देखते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर छुपता है, इस बार देखते हैं, नहीं कोई भी नहीं छुपा, लेकिन सामने हिमावारी छुपी, हिमावारी आउट है। अरे दैया, अरे दैया इतनी जोर की कौन मारता है यार? मैं मारता हूँ बहन, मज़ा आया। अरे मजा का है बात का, गोल गोल घुमा दिया पूरा। हाँ वो तो मैं करता ही हूँ बहन, यार तेरे को पता है मैं कितना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। कब दू ये टैलेंटेड हो, आप अपना कान से काम रखो ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है। ओके गाइस इसके अंदर कोई छुपा है? नहीं। ओ मेरी लग्जरी कार थी, खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अभी हम लोगों ने 3 प्लेयर को गाइस आउट कर लिया, यहाँ पर देखते कोई है, कोई तो होगा, यहाँ भी कोई नहीं है। ऑल राइट यहाँ कोई नहीं है, इधर देखते इधर कोई है नहीं, इधर भी कोई नहीं है, इधर इधर भी कोई नहीं है। 3 प्लेयर को ही हम लोग अभी तक आउट कर पाए हैं। बाकी एक सेकेंड मुझे लगा यहाँ कोई है क्या, एक सेकेंड, नहीं नहीं मुझे लगा था यहाँ कोई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक पतले अंकल के घर की जगह है ना यहाँ पर, यहाँ चल कर देखते हैं भाई। लेट्स गो गाइस, ऊपर की तरफ चलते हम लोग यहाँ पर। ओके मसाओ दिख गया मैं, और ये मसाओ आउट है तू भैया, मुझे डर लग रहा है आपसे। अरे बाप रे डर मत यार, अब तो आउट कर दिया, बार बार थोड़ी मारूंगा मैं, आपका भरोसा नहीं कि फिर से एक और बार मार दो। भाई तू पागल है क्या? अब हम लोगों ने गाइस कितने लोग को आउट कर लिया, नेने को आउट कर लिया, पिंचन को आउट कर लिया, हिमावारी को आउट कर लिया, और भाई हम लोगों ने मसाओ को आउट कर लिया। अभी बो बचा हुआ है, तोरू का जाम बचा हुआ है, और गाइस यार शिंगचैन बचा हुआ है, और पिंचन को किया हम लोगों ने आउट, नहीं पिंचन को भी नहीं, हाँ पिंचन को भी आउट कर लिया हम लोगों ने। तो कहते अभी शिंगचैन, बो और तोरू का जामा, ये तीनों बचे हुए हैं, और इन तीनों को हमें आउट करना है भाई जल्द से जल्द, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में हम इन सभी लोगों को आउट कर दें। लेट्स गो गाइस, एक बार घर के अंदर राउंड मार के आते, हो सकता है भाई कोई घर के अंदर चले गया हो, लेकिन गाइस कोई घर के अंदर गया होगा तो हम उसे गन से नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने अपने घर में ना भाई एक ऐसे सिक्योरिटी फंक्शन कर रखा है जहाँ पर भाई गन अपने आप ही भाई स्पॉन जो रखी थी वो हट जाती है। यहाँ पर चल कर देखें। ऑल राइट ओके शिंगचैन यहाँ छुपा हुआ है, तूने दिमाग से खेला ना, और नहीं तो क्या, मुझे पता था आप यार हाइड एंड किल खेलोगे, तभी आप इतने ज़्यादा वहाँ पर जोर काट रहे थे कि हाइड एंड सीख नहीं, हाइड एंड सीख नहीं। और वैसे भी आप एक बार ही डाइन देने को मान गए थे ना, तो मैं समझ गया था तभी कि आप हाइड एंड किल खेलने वाले हो। हाँ ठीक है भाई ठीक है। ऑल राइट गाइस, आप सभी लोगों ने आई होप यार कमेंट कर दिए होंगे, क्योंकि मैं तब से पूछ रहा हूँ भाई कोई आप लोग को नज़र आया या फिर नहीं, तो फटाफट से आप लोगों ने कमेंट कर दिए, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ये निकाला मैंने फ़ोन। ओके गाइस, तो आप लोग बता रहे हो जिन झाड़ियों के
पीछे मैंने आप लोगों से पूछा था आगे खड़े होकर, उसके पीछे ही तोरू कजामा छुपा हुआ है। लेट्स गो, ये निकाली गन, बहुत दिनों बाद आया भाई ये बंदा खेलने के लिए, इसे बाहर निकालते हैं। 3-2-1 लेट्स गो, ये निकला बाहर। अरे बाप रे, इतने जोर के झटका, और नहीं तो क्या भाई, बहुत दिनों बाद आया ना तू एक्स्ट्रा ले। अरे तो चेटेंगे भैया, ऐसा मत करो आप, भाई तेरी तो आवाज़ भी चेंज हो गई। अरे बाप रे, आप ऐसा मारोगे तो मैं मरी जाऊँगा। अरे कहीं नहीं मर रहा मेरे भाई। लेट्स गो गाइस, हम लोगों ने भाई सबको आउट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अब बो बचा हुआ है भाई। हम लोगों ने मसाओ को भी आउट कर दिया, नेने को भी कर दिया, शिंगचेन पिंचेन हिमावारी तक को आउट कर दिया हम लोगों ने। लेकिन गाइस अभी भाई बो बचा हुआ है, और भाई देख सकते हो आप लोग यहाँ ये छत पर भी नहीं है हमारी। ऑल राइट, इधर छत पर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे भाई ये छुपा हो। लेट्स गो गाइस, चलते हैं, क्योंकि शिंगचेन नीचे छुपा था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ है, यहाँ पर भी नहीं है भाई बो। लेट्स गो गाइस, अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ भी नहीं है। इधर के साइड तो शिंगचेन था, तभी नहीं था भाई, तो अब कहाँ से आया होगा। लेट्स गो, ऊपर की तरफ चलते हैं भाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर देना। यहाँ पर है, और इस बार मैं गन अंदर लेकर आ चुका हूँ भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बार मैं गन कैसे लेकर आया, समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो, अरे बाप रे, नीचे गिर गया यार। और एक सेकंड गाइस, नीचे गिरा, लेकिन गाइस एक फ़ायदा हो गया, हम लोग को बो मिल गया, और ये बो को भी आउट कर दिया। अरे बाप रे, सर फोड़ दिया मेरा तो। अबे कहाँ सर फूटा यार, अरे फूटा है भैया, बहुत जोर के फूटा है। चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। ऑल राइट गाइज, मैंने सभी लोगों को भाई यहाँ पर आउट कर दिया भाई। जैसे कि आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया कि यार फ्रैंकलिन भैया, जेएसएस भैया, दोनों में से कुछ भी बुला लेते हो आप, मैं तो समझ जाता हूँ भाई अच्छे से। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि यार आप लोग, मतलब हम ना बहुत दिनों से छुपन छुपाई नहीं खेल रहे, हाइड एंड सीक नहीं खेले, तो फटाफट से एक सीरीज़ लेकर आओ। तो भाई ये पहली वीडियो आ चुकी है उस सीरीज़ की, तो भाई हम लोग छुपन छुपाई, मैं प्रॉमिस कर दूँगा गाइज, हम खेलते रहेंगे इस वाले गेम को। लेकिन यार आप लोग और वीडियोज़ को भी प्यार दिखाओ यार, जैसे इस वीडियो पर दिखाते हो। तो आइयो, आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, मेरे दोस्तों के शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ यार गाइस, जल्दी से कर देना, और कमेंट में बता दो हाइड एंड सीक की जगह पकड़म पकड़ाई भी खेले क्या। हाँ गाइस, बता दो जैसा आप बोलोगे हम लोग वो करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, टाटा, टेक केयर।